हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्पार्क। मैं कार्तिक मिश्रा बस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज ये हिंदी की क्लास सेकंड है। जो लोग हिंदी की क्लास फर्स्ट नहीं देख पाए हैं वो लोग क्लास फर्स्ट को देख ले ताकि चीजें अच्छे से क्लियर होती रहे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्णमाला की, और वर्णमाला में बात कर रहे थे हम लोग स्वर व्यंजन और आयोगवा, यानी कि उच्चारण के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है वो तीन तरह के हैं। कौन कौन से हैं? स्वर है, आयोगवा है और व्यंजन है। स्वर की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आज हम बात करते हैं आयोगवा की। आयोगवा होता क्या है? दूसरा जो वर्ण का प्रकार है वो है आयोगवा। कुछ लोग के लिए ये नया नाम होगा। आयोगवा किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं आयोगवा कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं आयोगवा कहलाते हैं। आयोगवा के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहली आती है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहा जाता है? अंग को। अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। और दूसरी जो चीज आती है आयोगवा के अंतर्गत वो आती है विसर्ग। विसर्ग जिसे हम लोग आह कहते हैं। अर्थात अंग और आह ये दोनों हिंदी वर्णमाला में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आयोगवा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आयोगवा के बाद तीसरी चीज आती है व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन से जो क्वेश्चंस आते हैं क्या आता है? पहला पॉइंट में अगर बात करें हम लोग व्यंजन से आने वाले क्वेश्चंस में, पहला पॉइंट क्या आता है? व्यंजनों की कुल संख्या। व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 39 अर्थात 39। और दूसरा क्वेश्चन से पूछता है मूल व्यंजनों की संख्या। मूल व्यंजनों की संख्या, पहला है व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, और दूसरा है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 अर्थात 33। व्यंजन और मूल व्यंजन दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारी किताबों में अलग अलग डाटा देता है, लेकिन मैं आपके सामने वही डाटा ला रहा हूं जो कि यूपी टेबल एससी या हमारे आयोग मानते हैं। तो व्यंजनों की कुल संख्या 39 है, मूल व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी चीजें यहां लिखाई जा रही है इसको एक नोट्स के रूप में आप बना ले ताकि ये चीजें आपको हमेशा काम दे। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की कुल संख्या के बाद व्यंजनों के प्रकार की, कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। उसके पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि हिंदी वर्णमाला में अगर कुल वर्णों की संख्या पूछ ले तो हम क्या बताएंगे। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। 52 कैसे होती है उसे देखिए। 52, 11 तो होती है हमारे स्वरों की संख्या, 2 होते हैं हमारे आयोगवा अंग और आह जिसे हम आपको यहां बता चुके हैं, और 39 होते हैं हमारे व्यंजन। 11 स्वर हो गए, 2 आयोगवा हो गया, और 39 क्या हो गया हमारे व्यंजन। तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको 52 दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी हुई? 52 हुई। तो हम बात करते हैं अब व्यंजन के भेद के बारे में। व्यंजनों की कुल संख्या 39 है, और व्यंजनों का अगर मुख्यतः भेद किया जाए तो ये तीन तरह के व्यंजन होते हैं। पहला व्यंजन होता है मूल व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन। मूल व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन, इसकी संख्या होती है 33। इसकी संख्या कितनी होती है? 33। दूसरा व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4।
तीसरा होता है उचित व्यंजन, उचित व्यंजन की संख्या होती है दो, कितनी होती है दो, ठीक है। मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उचित व्यंजन, इस मूल व्यंजन के तीन भेद होते हैं, मूल व्यंजन के तीन भेद होते हैं। पहला क्या होता है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन इसकी संख्या होती है 25, इसकी संख्या होती है 25। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इसकी संख्या होती है 4, इसकी संख्या होती है 4। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इसकी संख्या भी होती है 4। तो ये व्यंजन का मेन क्लासिफिकेशन है, मुख्य रूप से जो वर्गीकरण किया गया है वो है। अब हम लोग इस पे बारी बारी से बात करते हैं कि कौन क्या होता है। अब हम बात करते हैं बारी बारी से एक एक व्यंजन के बारे में जो आपको बताए हैं। पहला नंबर व्यंजन है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में 5 तरह के वर्ग होते हैं, का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग और पांचवा पा वर्ग। ये 5 तरह के वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला में। इन्हीं वर्गों के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, का, खा, गा, घा, अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये कुल मिलाकर के 25 वर्ण हैं जो कि वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी में से हम आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताते हैं, वो क्या हैं? देखिएगा, इधर से 4 वर्ण ले, इधर से 4 वर्ड ले, इधर से 4 वर्ड ले। ये जो एक स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर में टोटल 16 वर्ड हैं और ये 16 वर्ड मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, इनका नाम मुख्य रूप से दिया गया है वो है मूल स्पर्शीय व्यंजन, मूल स्पर्शीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है। ये जो 16 वर्ड है इनको मूल स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है, और ये टोटल 25 वर्डों को क्या कहा जाता है, टोटल 25 वर्डों को हम लोग कहते हैं वर्गीय व्यंजन। तो ये हम बात कर चुके हैं वर्गीय व्यंजन की। अब आने वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके आगे, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, और जितने भी व्यंजन बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग और भी अच्छा वर्क इस पे कर सकें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।